पंद्रहवां गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी कंदरावया गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक गुफाएं किस जिले में पाई जाती है? कोटा जिले में पाई जाती है। कोटा जिले में सर्वाधिक गुफाएं पाई जाती हैं। तो बीहड़ क्षेत्र के लिए जाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। सर्वाधिक स्थायी जल वाली कौन सी नदी है? चंबल नदी। और चंबल नदी कंदराओं व गुफाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और जो ये कोटा जिले में सर्वाधिक क्या है? स्थायी जल वाली नदी है। यानी कोटा जिले में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? गुफाएं पाई जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगली इसकी विशेषताएं क्या क्या है। चंबल नदी के किनारे, किसके किनारे? चंबल नदी के किनारे कोटा शहर, कोटा शहर व हैंगिंग ब्रिज जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है। झूलता हुआ क्या कहा जाता है? पुल कहा जाता है। यानी हैंगिंग ब्रिज और कोटा शहर, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसी नदी के किनारे स्थित है। यानी कोटा शहर, हैंगिंग ब्रिज जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है और चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसी नदी के किनारे है। तो आपसे पूछा जाए कि कोटा शहर, हैंगिंग ब्रिज जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है व चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम देखेंगे कि चंबल नदी की और कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन सी जो इनकी विशेषताएं हैं तो हम देखेंगे। तो दोस्तों आप साथ साथ में इस ये जो नदी है इसको आप नोट करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो इसके बाद में हमारी विशेषताएं हैं कि चंबल नदी गहरे गार्जों में तीव्रता से बहती है। चंबल नदी गहरे गार्जों में यह तीव्रता से बहती है, इस कारण इसे वाटर सफारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर सफारी भी कहा जाता है। यानी जो यहां से लेकर कोटा तक यह नदी गहरे गार्जों में बहती है, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा तक यह नदी पूरे संकीर्ण में गहरे गार्जों में यह बहती है, यानी बहुत ही तेज गति से बहती है, इसलिए इसे वाटर सफारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर सफारी भी कहा जाता है। तो यह तो थी चंबल नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या है? चंबल नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं जिसका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? कई बार परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि दक्षिण से चंबल नदी पर स्थित बांधों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कौन सा है। तो आपको उनको शेयर करना होता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो चंबल नदी बनाए गए बांध है उनका सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के महू जाना पाव की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है चंबल नदी का। इसके बाद में यह नदी रतलाम और मंदसौर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। मंदसौर में भानपुरा नामक तहसील में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या कौन सा है? गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर है।
गंदी सागर बांध। इसके बाद में यह नदी एंट्री करती है कहां पर? यह नदी एंट्री करती है चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला चौरासीगढ़ नामक स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है। यहां पर रावत भाटा में एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है?